यही जज्बा रहा, यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमी बंजर है तो क्या, जमी बंजर है तो क्या, यहीं से जल निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा मेरे साथी, ना मायूस हो ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाठक और आज इस एडवांस मैच के दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल इस वीडियो को हमने जहां तक पढ़ा था, या पहले पार्ट में हमने इस वीडियो को जहां तक पढ़ा था, हम इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने देखा था कि पैरामीटर्स और एरिया की जो यूनिट्स होती हैं उसके हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, उनको कंपेयर कैसे करते हैं। तो कल हमने देखा था कि किलोमीटर से लेके मिलीमीटर्स तक जितनी भी यूनिट्स होती हैं सब 10-10 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ती हैं। यानी किलोमीटर से अगर हम हेक्टोमीटर देखेंगे तो 10 सब 10-10 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक रिवाइज के लिए, रिवीजन के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कहीं पर लिखा है 10 किलोमीटर्स, तो यह 10 किलोमीटर्स को अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 35 किलोमीटर्स। तो अगर 35 किलोमीटर लिखा है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 35 किलोमीटर को आप मीटर्स में कन्वर्ट करो, या 35 किलोमीटर्स को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो, डेकामीटर में कन्वर्ट करो, तो किसी भी छोटी यूनिट में अगर बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों एक बात को अपने दिमाग में गांठ बांध दीजिए, या इस चीज को याद रखने के लिए, समझने के लिए एक छोटा सेंटेंस याद रखिए कि छोटी चीज हमेशा छोटी ही रहेगी और बड़ी हमेशा बड़ी ही रहेगी। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि छोटा और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 35 किलोमीटर है, तो अब ये किलोमीटर से, यानी ये बड़ी वैल्यू है, जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, कि ये किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर हम देखते हैं किलोमीटर से लेकर सेंटीमीटर्स तक, तो हमने कितने चरण क्रॉस करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10^5। तो आपको करना क्या है कि आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 10^5 से, तो ये हो जाएगा 35 × 10^5 सेंटीमीटर्स। तो आपने समझा कि जो बड़ी वैल्यू थी ये और बड़ी हो गई। तो कहने का मतलब है कोई भी वैल्यू अगर बड़ी वैल्यू को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो और बड़े न्यूमेरिकल नंबर में आ जाएगी। अब जैसे छोटी वैल्यू को समझते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने यहां पर लिखा होता 35 सेंटीमीटर, आपसे कहा जाता कि 35 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कीजिए मीटर्स में, तो अगर 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो छोटी वैल्यू है, छोटी को जब बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। यानी अब हम देखेंगे कि 35 ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर तक कितने चरण क्रॉस किए, 1 और 2। यानी हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसको 10^5, कितने चरण क्रॉस किए, 1 और 2, तो 10^2। यानी हमने इसको किसे से डिवाइड कर दिया, 100 से, तो ये हो जाएगा 35/100 मीटर। तो ये हम कल भी पढ़ चुके थे, एक रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि अगर सिंगल डायमेंशन में जो हम चीज को पढ़ा था वो क्या था, पैरामीटर, डबल डायमेंशन में हमने क्या देखा था, एरिया, और आज हम देखेंगे वॉल्यूम। यानी आज हम तीनों को साथ में समझते हैं। तो जैसे दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिंगल यूनिट के लिए 10-10 का मल्टीप्लाई होता है, और अगर हम यूनिट की बात करते हैं एरिया के लिए, यानी एरिया के क्या यूनिट्स होंगे, तो यही सारे यूनिट्स होंगे, बस ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। यानी किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में सारे क्या हो जाएंगे, क्यूब्स। यानी यहां पर सिंगल डिजिट एक डायमेंशन, डबल डायमेंशन ये डायमेंशन का मल्टीप्लाई, और यहां पर 3D फिगर है। तो अगर हम इन दोनों की इकाइयों को समझते हैं कि इनकी इकाइयां कैसे निकालते हैं, तो ये यहां पर किलोमीटर था और यहां से हेक्टोमीटर था, तो 1 10 था। अब यहां पर किलोमीटर का क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, अभी हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 100 का। ऐसे ही सेम यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 100 का। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कितने का मल्टीप्लाई होगा, 100 का। तो किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यहां पर ये जो वर्ड है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर स्क्वायर को एक सिंपल वर्ड में लिखा जाता है हेक्टेयर, आप इसको यहां पर हेक्टेयर भी लिख सकते हो, या हेक्टोमीटर की जगह आप हेक्टेयर भी यहां पर लिख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कहीं पर लिखा है कि 15 हेक्टेयर, आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 15 हेक्टेयर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों हम समझते हैं कि यहां पर हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर तक जाने में हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 1, 2, यानी 100 × 100, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें दोस्तों, 100 × 100 यानी 10,000, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, यानी 10^4, तो इट विल बी 1540, यानी यू कैन से 1,50,000 स्क्वायर मीटर। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हेक्टेयर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 × 100। फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी होती, आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होता, कोई वैल्यू सेंटीमीटर में थी आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, कहीं पर लिखा है 90 cm², आपको कन्वर्ट करना है कि कितने हेक्टेयर के बराबर होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपल सा सेंटीमीटर स्क्वायर से यहां पर 2 0, यानी यहां पर भी कितने 0 होंगे, 2, यहां पर भी कितने 0 होंगे, 2, यानी जितने चैनल्स आप क्रॉस करेंगे उतने 0 का आप ट्वाइस कर देंगे, यानी सेंटी से लेके अगर आप हेक्टेयर तक जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 4 यानी कितने 0 आएंगे, 8, यानी आप यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हेक्टोमीटर हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे, कितने का डिवाइड करेंगे, 10^8 का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया छोटी वैल्यू और छोटी हो जाती है और बड़ी वैल्यू और बड़ी हो जाती है, तो छोटी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, यानी अब इसमें डिवाइड हो जाएगा कितने का, 10^8 का, तो 90 / 10^8 ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, हेक्टेयर्स में। तो अभी आप इस बात को समझिए, कुछ एग्जांपल अपन और करेंगे इसको पढ़ने के बाद। अब हम देखते हैं वॉल्यूम को, सेम वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर × 10, यहां पर × 100 और यहां पर × 1000, यानी किलोमीटर को अगर आप हेक्टोमीटर में चेंज करोगे, हेक्टोमीटर क्यूब में, तो ये 1000 के क्यूब्स में आगे बढ़ेगा, ये भी 1000 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है 15 km³, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब्स में, कि अगर कोई आपसे पूछता है कि 15 km³ में कितने सेंटीमीटर क्यूब्स होंगे, तो अब हर चैनल में कितने 0 लगेंगे, 3, तो सिंगल डायमेंशन में 1, डबल डायमेंशन यानी एरिया में 2, और 3D यानी वॉल्यूम में 3। अगर किलोमीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो समझिए, किलोमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कितने चैनल्स जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और हर चैनल में 3 0, तो 5 में कितने हो गए, 15, यानी आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10^15 से, तो ये हो जाएगा 15 × 10^15 cm³। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंगल डायमेंशन 10 के मल्टीपल्स में, यानी पैरामीटर्स की जब हम बात करेंगे तो 10 के मल्टीपल्स में, एरिया 100 के मल्टीपल में, और वॉल्यूम 1000 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ता है या पीछे आता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला फंडामेंटल ये, दूसरा फंडामेंटल जो मैंने आपको बताया, लार्जर विल बी लार्जर एंड स्मॉलर विल बी स्मॉलर, यानी छोटा और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। याद केवल आपको छोटी सी बात रखनी है कि सिंगल डायमेंशन में 10 का मल्टीपल, एरिया में 100 का मल्टीपल, और वॉल्यूम में 1000 के मल्टीपल से वैल्यूज आगे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में आया कि 15 decameter को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो अगर डेकामीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, जिस टेबल को आप एक दिमाग में भी लिख सकते हैं और बाकी याद भी कर सकते हैं, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी। तो आप याद करो कि डेका से लेकर सेंटी तक आपने कितने चैनल क्रॉस किए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, यानी डेका से लेकर डेका के बाद क्या आया, मीटर, मीटर के बाद क्या आया डेसी, और डेसी के बाद क्या आया सेंटी, यानी 1, 2, 3,
आपने तीन चैनल क्रॉस किए और सिंगल डायमेंशन में है, यानी ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो अब जब भी आगे जाएंगे तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक दो तीन, यानी कितने जीरो आ जाएंगे, तीन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो इट विल बी 15,000 सेंटीमीटर। ऐसे हम एक एग्जांपल देखते हैं एरिया के क्वेश्चन का। नाइनटी किलोमीटर स्क्वायर आपके सामने दे रखा है, अब अगर इसे पूछा जाए कि कितने हेक्टेयर के बराबर होगा, अब 90 किलोमीटर स्क्वायर को आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, तो याद करो कि किलो से लेकर हेक्टेयर तक कितने मल्टीपल्स में जाते थे, किलो हेक्टो डे का, यानी किलो और हेक्टो के बीच में कितना चैनल है, एक चैनल, और एक चैनल में कितने जीरो है, दो जीरो, तो जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का, तो इट विल बी 9000 हेक्टेयर, सिंपल, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल एक हेक्टेयर को भी अपन कन्वर्ट करके देख लेते हैं, 15 हेक्टेयर कहीं आपके पास लिखा है, ये 15 हेक्टेयर को आपको कन्वर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल मीटर्स में, स्क्वायर मीटर में, ये 15 हेक्टेयर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करो, तो हम देखते हैं कि हेक्टेयर से लेके मीटर तक हमें कितने चैनल क्रॉस करने हैं, हेक्टो डे का और मीटर, यानी दो चैनल क्रॉस किए, एक चैनल में कितने जीरो हैं, दो, तो दो चैनल में कितने जीरो हो जाएंगे, चार, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो इट विल बी 15 मीटर, यानी 150,000 स्क्वायर मीटर की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक बात करते हैं वॉल्यूम की, कहीं पर लिखा है 15 मीटर क्यूब, तो अगर 15 मीटर क्यूब दे रखा है और उसने कहा कि आप इसको ये कितने किलोमीटर क्यूब के बराबर होगा, तो बात आपको ये याद रखनी है कि छोटी यूनिट को जब बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, तो अगर छोटी करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड। अब आपको ये देखना है किलोमीटर से लेके मीटर तक आपने कितने चैनल क्रॉस किए, हर चैनल में कितने जीरो आएंगे, तीन, यानी 1000, तो किलो हेक्टो डे का मीटर, किलो हेक्टो डे का और मीटर, तो एक दो तीन, आपने तीन चैनल क्रॉस किए, एक चैनल में कितने जीरो हैं, तीन, तो तीन चैनल में कितने जीरो होंगे, 9, यानी यहां पर हम इसमें कितने हैं, तीन, तो टोटल कितने हो गए, 9, तो 10^9 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, डिवाइड, तो इट विल बी 15 / 10^9 किलोमीटर क्यूब। तो ये एक छोटा सा मेजरमेंट का पार्ट था, इसके अलावा कुछ यूनिट्स और हैं जो एग्जाम्स में यूज होती हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों पैरामीटर एरिया क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था पहले वीडियो में, वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली हम समझते हैं। तो अगर हम किसी भी 3D फिगर की बात करते हैं या वॉल्यूम की बात करते हैं, तो पैरामीटर आपने सोचा था, फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, अगर आप इसके इस कॉर्नर से चलना स्टार्ट करते हैं और ये पूरा एरिया कवर करके आते हैं, यानी इसके पूरे चारों ओर आप घूम के आते हैं, तो जितनी डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो क्या होगा, इसका पैरामीटर यानी परिमाप। फॉर एग्जांपल आप इस पूरे अंदर वाले एरिया में पेंट करते हैं, तो जितने भी एरिया में आप पेंट करेंगे ये क्या होगा, इसका एरिया। तो पैरामीटर एरिया हमने कल भी पढ़ा था, वापस से रिवाइज कर लिया। अब वॉल्यूम एक्चुअल में क्या है, तो एरिया क्या था कि एक टू डायमेंशनल फिगर है जिसमें दो डायमेंशन होते हैं, वॉल्यूम एक ऐसी आकृति होती है, वॉल्यूम एक ऐसा शेप है जो कि कुछ सरफेसेस से बंद चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल चार दीवार के अंदर जितना भी हवा है वो उसका वॉल्यूम है,
एक ग्लास के अंदर आप जितना भी पानी भर सकते हैं वो उसका वॉल्यूम है। तो कोई भी ऐसी आकृति यानी जिसमें 2D के साथ उसकी हाइट या डेप्थ भी होती हो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास में 1 लीटर पानी भरा हुआ है तो उस ग्लास का जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने जो यूनिट्स पढ़ी उसमें तो लीटर आया ही नहीं, यानी एक ग्लास में अगर 1 लीटर पानी भरा हुआ है तो उस 1 लीटर का उनमें से कौन सी वैल्यू को वो डिनोट करेगा। तो लीटर जो है 1 लीटर वैल्यू बराबर होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है, बाकी क्वेश्चंस में भी अपन इसको पढ़ेंगे आगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा है 15 लीटर, तो अगर किसी बर्तन में 15 लीटर पानी भरा हुआ है तो 15 लीटर पानी भरने का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम होगा 15000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया तो फिर आप इसको किलोमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, डेकामीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, हर वैल्यू में निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेंसुरेशन। हमने समझा था कि मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, और मेजरमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट्स, यूनिट्स यानी पैमाने और इकाई। तो जो कि हमने सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन और 3D तीनों के पढ़े हैं। इसी के साथ बेसिक कंसेप्ट एडवांस मैथ्स का ये वीडियो अपन समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आकृतियां स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, भर क्या होता है।